वेलकम दोस्तों, मैं हूं मैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कैलकुलेट करना सीखेंगे और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज इंक्रीज होती है तो उसका करंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले केवीए का फार्मूला पता होना चाहिए। केवीए का फार्मूला है अंडर रूट 3 इनटू वी इनटू आई। अब यहाँ पे आपको कॉस थीटा नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर के केवीए के फार्मूले में कॉस थीटा नहीं होता। अगर आपको ये जानना है कि क्यों केवीए के फार्मूले में कॉस थीटा नहीं होता ट्रांसफार्मर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अब दोस्तों ये जो फार्मूला है केवीए इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इनटू वी इनटू आई, इसमें से हमें करंट मालूम करना है। तो करंट हो जाएगा आई इक्वल्स टू केवीए इंटू 1000 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू वी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो केवी इंटू 1000 लिखा है तो ये 1000 मैंने मल्टीप्लाई किया है केवी से ताकि मैं केवीए को सिर्फ वीए में कन्वर्ट कर सकूँ। मैं यहाँ पे फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड जो है वो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं केवीए को सिर्फ वीए में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंसीडर करें एक ट्रांसफार्मर है 11 केवी बाय 415 वोल्ट वाला, जिसकी प्राइमरी जो है वो 11 केवी है और सेकेंडरी जो है वो 415 वी है। तो अब हमें इस ट्रांसफार्मर का सबसे पहले प्राइमरी का जो है वो लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्राइमरी का करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें सेकेंडरी का करंट भी कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों एक एग्जांपल में हम जो ट्रांसफार्मर लेंगे वो लेंगे 2.2 एमवीए का और जो उसकी साइज होगी वो 11 केवी बाय 415 वोल्ट होगी। तो अब हमें सबसे पहले 2.2 एमवीए को वीए में कन्वर्ट करना है। हमने जो फार्मूले में केवीए इंटू 1000 रखा है तो केवीए इंटू 1000 का मतलब है केवीए इंटू 10 पावर 3। अब जो हम एमवीए को वीए में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा MVA into 10 power 6। तो जब आप 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 6 से तो वो हो जाएगा 22 लाख VA। तो 22 लाख VA का मतलब है 22 और उसके बाद 5 power 0। अब दोस्तों यहाँ पे ये 22 लाख जो है इसको आप डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 इंटू V से, तो अंडर रूट 3 जो है वो 1.732 हो जाएगा और जो V है यहाँ पे 11 KV हम लेंगे, लेकिन 11 KV को 11 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 11 KV को 11000 लिखेंगे। जिस तरह से हमने MVA को VA में कन्वर्ट किया उस तरीके से हम KV को डायरेक्ट V में लिखेंगे, यानी कि 11000 लिखेंगे। अब दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 115 एम्पेयर, यानी कि जब आप एक ट्रांसफार्मर ले रहे हैं 2.2 MVA का जिसकी प्राइमरी साइड भी जो है वो 11 KV है, तो उस 11 KV के मुकाबले में इसका जो करंट का आंसर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रही है, वो सिर्फ 115 एम्पेयर आ रहा है। दोस्तों इसी तरीके से हम सेकेंडरी का भी करंट जो है वो मालूम करेंगे। सेकेंडरी में भी हम यही फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, केवीए इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू वी। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो 2.2 MVA का है, तो यहाँ पे हम 2.2 इंटू 10 पावर 6 करेंगे जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। उसके बाद अंडर रूट 3 यानी कि 1.732 मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे जो V करेंगे वो है हमारे पास 415 वोल्ट, जो कि हमारी सेकेंडरी की वोल्टेज है। तो यहाँ पे आपका जो करंट आएगा, जो आपका रिजल्टेंट करंट आएगा वो आएगा 3064 एम्पेयर, यानी कि 3064 एम्पेयर। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की बात ये है कि जैसे हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे 11 KV की वोल्टेज रखी थी इस फॉर्मूले में, तो वहाँ पे हमें जो करंट मिला वो मिला था 115 एम्पेयर, और जैसे ही हमने सेकेंडरी में 415 वोल्ट रखे थे यानी कि वोल्टेज हमने कितनी कम कर दी, तो करंट जो है वो आया है 3064 एम्पेयर, यानी कि वोल्टेज जितनी ज़्यादा थी करंट जो है वो उतना ही कम आया था, और वोल्टेज हमने जितनी कम रखी 415 वोल्ट रखे करंट हमारा उतना ही जो है वो ज़्यादा आया है। तो हमने जो स्टार्टिंग में डाउट रखा था कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट कम हो जाता है और वोल्टेज डिक्रीज करने से करंट बढ़ जाता है। रीज़न क्या है, हमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी का पावर है वो हमें कांस्टेंट रखना होता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी का जो पावर होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ वोल्टेज इंक्रीज होती है करंट डिक्रीज हो जाता है, और अगर वोल्टेज डिक्रीज होती है तो करंट इंक्रीज हो जाता है, जिसे हमने इस फार्मूले में भी आपने और हमने समझा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कितना है। जो हमारा मेन क्वेश्चन था इस वीडियो का वो था कि भाई ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कितना है। हमने यहाँ पे दो करंट जो है वो मालूम किए हैं, एक प्राइमरी करंट और एक सेकेंडरी करंट। तो हमारा जो है वो फुल लोड करंट हम किसको कंसीडर करेंगे, तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि ट्रांसफार्मर में जो भी लोड कनेक्ट होता है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे कनेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हमने जो ट्रांसफार्मर लिया था वो 2.2 MVA का था, जिसका जो है वो सेकेंडरी का करंट 3064 एम्पेयर आया। तो 3064 एम्पेयर जो है वो आपका फुल लोड करंट होगा। अगर हम यहाँ पे इसी ट्रांसफार्मर को लें तो 2.2 MVA का जो फुल लोड करंट है वो 3064 एम्पेयर है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में रखिएगा कि किस तरह से हम ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम फॉर्मूले में MVA को हम जो है वो VA में कन्वर्ट करेंगे और KV को हम सिर्फ V में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।